आज सारे चांद तारे बन गए हैं डिस्को लाइट, जाके बुझा के हमको बुला के कह रहे हैं पार्टी ऑल नाइट। ना तापे तुके दिल लगे से तोड़ना जानना, आने वाले कल के फिकर से जोड़ना जानना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। बदतमीज़ दिल मानना बदतमीज़ दिल मानना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है जानना। बदतमीज़ दिल मानना। हाय, माय नेम इज़ आरज़ू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ श्री गंगानगर का वाटर पार्क, जिसका नाम है फनटाउन वाटर पार्क। समर हीट से बचने के लिए सबसे अच्छी जगह वाटर पार्क ही लगती है। ये आपको प्राइस दिख रहा होगा टिकट्स का, एडल्ट के लिए 500 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 300 रुपीज़, जिनकी हाइट 3 फीट तक है, उससे ज़्यादा हाइट पर पूरा चार्ज लगेगा। टाइमिंग यहाँ का सुबह 11 से 7 बजे है। हमने अपना टिकट ले लिया था। हम यहाँ पे मेरी नीज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी लोग आए थे। वाटर पार्क एक ऐसी प्लेस होती है जो समर्स में सबको पसंद आती है और स्पेशली बच्चों को, इसीलिए हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए थे। इस एरिया का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं अंदर की तरफ कैसा बना हुआ है। यहाँ डिफरेंट हाइट की स्लाइड्स बनी हुई है, ये सबसे बड़ी है, ये मीडियम है और साइड में स्मॉल भी है, और ये बीच में एक जंगल थीम बेस्ड गार्डन बनाया गया है बच्चों के लिए स्पेशली, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। ये एंटर करते ही एक पूल तो यहीं आपको दिखाई देगा, जिसमें 3-4 टाइप की स्लाइड्स लगी हुई हैं। और अब आगे वाले पाथ पे चल के देखते हैं आगे की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है। मैं आपको आगे का एरिया दिखाती हूँ आगे की तरफ क्या है। और ये साइड में एक पोर्शन में कैंटीन बना रखी है, कुछ चेयर अरेंजमेंट भी है, आप कुछ खाना चाहें तो यहाँ पे खा सकते हैं। आगे की तरफ भी काफ़ी खुला सा स्पेस है। ये आपको रेन डांस के लिए एरिया दिया गया है और यहाँ पे ये बड़ी वाली स्लाइड्स के लिए पूल बनाया हुआ है। पहले नहीं उड़े आसमां पे, पता ना हो है जाना कहाँ पे, कि बेमंजिल है वो सब रास्ते, दुनिया से हो जरा खुद से भी हो दूरिया। सूरज डूबा है यारों दो गुट नशे के मारो, रस्ते भुला दो सारे घर बार के। पानी को देख के चिल सी वाइब्स आने लग गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जंगल थीम बेस्ड मिनी गार्डन। यहीं पे ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे ये बड़े बड़े से दो एलिफेंट लगा रखे हैं, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और इनके साथ काफ़ी लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और इसके सामने एक पूल बना हुआ है जो कि काफ़ी कलरी और काफ़ी अच्छा सा है, और ये ज़्यादा इसमें पानी गहरा नहीं है और स्लाइड्स भी छोटी वाली ही लगी हुई हैं। और ये जो पूल है इसमें थोड़ा सा पानी डीप है और इस पे शेड लगा हुआ है, इसके कारण इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। आपको पता है हाथी जंप नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत अच्छे स्विमर माने जाते हैं और ये अपनी ट्रंक यानी सूंड में लगभग 8 लीटर तक पानी फिल कर लेते हैं। और आपको पता है दुनिया में याददाश्त के मामले में यानी मेमोरी के मामले में हाथी को सबसे ऊपर रखा जाता है। Thank you.
आपको पता है पहला स्विमिंग पूल आज से लगभग 5000 साल पहले पाकिस्तान में बनाया गया था, मोहनजोदारो एरिया के अंदर, और उसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि पूजा पाठ के बाद स्नान के लिए यूज़ किया जाता था। हम अपनी डॉल के लिए डॉल वाला केक ही लेकर के आए थे। यहीं पे हमने केक कट किया था और उसके बाद पूल में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड हो गया था यहाँ पे, क्योंकि पूल में एक बार जाने के बाद बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। ये इनका कैंटीन एरिया है जो कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। हमने केक कट करने के बाद में कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी ली थी कैंटीन से ही, और वो सारी की सारी खाने के बाद में ही हमने चेंज करके पूल में एंजॉय करने का सोचा। जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही यार बैठे हैं। ये बड़ा वाला पूल है जिसकी डेप्थ भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पे ही ये बड़ी वाली स्लाइड्स लगी होगी जो कि आपको दिख ही रही है। समर्स के अंदर स्पेशली वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये यहाँ पे चेंजिंग रूम बना रखे हैं और एक कॉस्ट्यूम रूम भी है, अगर आप कपड़े नहीं लाए हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। चेंज करके हम भी पूल में आ गए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था सबको ही, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी मज़े आ रहे थे, क्योंकि पानी है ऊपर से गर्मी है तो अच्छा लगना ही था। ये दूसरा वाला पूल है जिसमें शेड लगा हुआ है और इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था दूसरे वाले पूल के कंपैरिजन में। पार्ट बना हुआ था स्पेशली रेन डांस के लिए, मतलब आप यहाँ पे रेन को फील कर सकते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, आप एंजॉय कर सकते हैं। ये भी अच्छा था, एक एंट्री बना रखी थी जिसमें काफी सारे स्प्रिंकलर टाइप से थे तो अच्छा लग रहा था। खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर, हाथ से ये कैसे अनसुनी से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, सबसे लास्ट में एक पार्ट बना रखा था जहाँ पे वेव्स चलाई जाती थी, वेव पूल था ये, और यहाँ पे अच्छी फ्रीक्वेंसी की वेव्स आप इंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। और ये यहाँ से ये बड़ी वाली स्लाइड का पार्ट दिख रहा है, जब वेव चलाई जाती है तो इस पूल के सारे लोग भी यहीं आ जाते हैं, ये काफ़ी खाली सा हो गया है और ये रेन डांस वाले भी सारे इधर ही आ गए हैं। वेव पूल कुछ कुछ देर के लिए चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर वापस चलाया जाता है, इस तरह से ये चलता है।
और यहाँ पे आप आराम से बैठ कर के बीच टाइप व्यू इंजॉय कर सकते हो और वैसे ही वेव्स को भी फील कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं आपको एक पार्ट दिखाती हूँ, ये बड़ी वाली स्लाइड का जो पूल है उसके साइड में चारों तरफ बहुत अच्छी सी ये मिनी कैनाल टाइप सी बना रखी है और ऊपर की तरफ ये उसके ब्रिज है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, आसपास का सारा एरिया आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। हर पूल में आपको कुछ ना कुछ वाटर एक्टिविटीज़ मिलेगी। ये पूल है, इसमें एक अम्ब्रेला टाइप बना हुआ है और उसके नीचे पानी रेन की फॉर्म में आता है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही हो। ये यहाँ पे बड़ी वाली स्लाइड्स हैं, आपको दिख ही रही होगी इनकी हाइट, और लोग इसे इंजॉय कर रहे थे। और ये छोटी वाली स्लाइड्स हैं, अगर आप बड़ी पे नहीं जाना चाहते तो आप छोटी पे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और वाटर एक्टिविटी थी, ये बकेट वाटर एक्टिविटी। इसमें बकेट पानी से पहले भरती है और फिर ज़ोर से आपके ऊपर गिरेगी, ये काफ़ी अमेजिंग था। एकदम से पानी ऊपर डलना बहुत अच्छा लगता था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ऐसी और अमेजिंग सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गर्मियों में वाटर पार्क में खूब इंजॉय करना।